हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ हिमालयन वाटर, हिमालयन पानी। तो मैंने दो बोतल मंगवाई है पानी की। एक जो ये वाली है, ये है 300 ml की और इसका प्राइस है 100 रुपये। और ये वाली है 1 लीटर की, इसका प्राइस है 65 रुपीज़। और मैंने दोनों बोतल्स फ्लिपकार्ट से मंगवाई हैं। और जो ये वाली बोतल है वो प्रीमियम बॉटल्ड वाटर है। इसकी जो बोतल है वो कांच की है, ग्लास की है। और जो ये पानी है ये प्लास्टिक की बोतल में है। दोनों के रेट में काफ़ी डिफरेंस है और हम चेक करेंगे कि इतना डिफरेंस क्यों है। जो ये दोनों बोतल्स में पानी है वह हिमालयन वाटर है। और कहा जाता है कि हिमालयन वाटर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हिमालयन वाटर पीने से हमारी एज स्लो डाउन हो जाती है। और हिमालयन वाटर में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, काफ़ी रिच होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि दोनों के टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं ये वाला पानी लेती हूँ। इसे मैं टेस्ट करती हूँ। हम जो पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, इसका टेस्ट काफ़ी स्मूथ है, उससे थोड़ा अलग टेस्ट है। मैं इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस है। चलिए मैं ये वाली बोतल देखती हूँ। दोनों पानी हिमालयन है, लेकिन इसके और इसके टेस्ट में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा मुझे सॉल्टी टेस्ट आ रहा है और इसका टेस्ट मुझे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्वीट लग रहा है। जो ये पानी है, हम इसको दो पैरामीटर्स पे चेक कर सकते हैं। पहला कि इसका TDS और दूसरा इसका pH लेवल। तो मेरे पास TDS मीटर है, तो चलिए चेक करते हैं कि जो ये प्रीमियम बॉटल्ड वाटर है हिमालयन का, इसका TDS कितना है। तो मैं पहले इसे ऑन कर लेती हूँ। इसका TDS है 270, 268, ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो देखिए इसका TDS आप देख सकते हैं 235। और अब हम इसका TDS चेक करते हैं। इसका TDS भी है 234, आप देख सकते हैं। तो दोनों के TDS में तो कोई इतना खास फर्क नहीं है, इसका 235, इसका 234 है। तो TDS दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो पता नहीं दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है प्राइस में। अब मेरे पास pH इंडिकेटर है, मेरे पास ये बॉटल है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि पानी का हम जो pH लेवल कंज्यूम करते हैं नॉर्मल पानी का, वो 7.5 के आसपास होता है। जितना ज़्यादा पानी एसिडिक होगा उसका pH लेवल उतना ज़्यादा कम होगा और वो ग्रीन, येलो, रेड के टोन में आएगा। और जितना ज़्यादा पानी का pH लेवल हाई होगा उसका कलर ग्रीन, ब्लू और वायलेट की शेड में होगा। तो हम चेक करते हैं दोनों पानी का pH लेवल क्या है। मैं इसमें pH इंडिकेटर डालती हूँ। ये देखिए जो इसका कलर है, हल्का ग्रीनिश ब्लूइश कलर है, तो इसका pH लेवल नॉर्मल है, नियर अबाउट 7.5 to 8। और अब हम इसका pH लेवल चेक करते हैं। इसका pH लेवल भी नियर अबाउट सेम है, 7.5 to 8। और आप देख सकते हैं कि दोनों का कलर सेम है, दोनों के कलर में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का TDS भी सेम था और pH लेवल भी सेम है। हम जो मेन कंपोनेंट्स देखते हैं, हम जो मेन चीज़ें देखते हैं पानी में, हम TDS और pH लेवल देखते हैं। तो पता नहीं इतना फ़र्क क्यों है दोनों के रेट में। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये 65 रुपीज़ लीटर है और ये पानी 300 रुपये लीटर है, मतलब 5 times ज़्यादा। पता नहीं ऐसा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया कि इन दोनों के रेट में इतना फ़र्क क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है।
अगर आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।